श्रीनगर में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के आवास पर गुपकार गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इसमें महबूबा मुफ्ती, मुजफ्फर शाह, जावेद मुस्तफा मीर, अब्दुल रहमान वीरी और वाई एम तारीगामी शामिल हुए। बता दें कि प्रशासन की ओर से इस बैठक की अनुमति नहीं दी गई थी। गठबंधन के नेता मुजफ्फर शाह ने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक बैठक कर रहे हैं और सरकार हमें ऐसा करने से नहीं रोक सकती। बैठक में गठबंधन के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि पीएजीडी 6 मुख्यधारा की राजनीतिक दलों का गठबंधन है, जो कि जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली की मांग कर रहा है, जिसे केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया गया था। मुजफ्फर शाह ने कहा कि बैठक का एजेंडा अनुच्छेद 370 की बहाली के अलावा एक जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करना है। बैठक में घटक दलों के प्रमुखों के अलावा मध्य और निचले पायदान के कई नेता शामिल रहे। गठबंधन के नेता एम वाई तारीगामी ने कहा कि हम एक ही चीज की मांग करते हैं और वो है अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली। यूटी में चुप्पी को सामान्य माना जा रहा है। राज्य प्रशासन और सरकार नहीं चाहती कि कोई कुछ बोले। सरकार हमारा अपमान करना चाहती है। हम अपने अधिकारियों के लिए भारत के नागरिक समाज से अपील करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सभी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बाहरी राज्यों से है और स्थानीय लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। हम संसद, मीडिया और नागरिक समाज को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।